हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 22 जनवरी। पिछले वीडियो में ना बहुत गलती से मैंने 22 नवंबर बोल दिया था। इतनी हड़बड़ी में वीडियो एडिट किया कि कुछ बोल रही थी और खुशी के मारे जो है ना मेरे मुख से कुछ और ही निकल रहा था। तो आज जो है ना खुशी का ठिकाना नहीं है। घर की साफ सफाई करने के बाद जो है ना मैग हो गई हूँ, नया सूट पहनकर तैयार। ये मेरा नया सूट है, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले तैयार किया था। बस अब करूँगी भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा करूँगी। देखिए भगवान तो सब एक ही है, मैं तो ये मानती हूँ। वही कृष्ण है, वही राम है, तो ईश्वर तो एक ही है। सभी भगवान विष्णु के ही रूप है। भगवान के लिए जो नई पोशाक लेकर आई थी, आज सभी भगवानों को नई पोशाक पहनाऊंगी। मंदिर का जो नीचे बिछाने वाला कपड़ा है वो भी चेंज करूंगी। तो बस आज जो है ना मंदिर का बढ़िया से साफ सफाई करने वाली हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा पूजा में, लेकिन हो जा दीजिए लेट, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी साफ सफाई में मैं अच्छी खासी आज लेट हो ही गई थी। चाहती तो बेटा कर लेता पूजा, लेकिन मेरा मन था कि मैं ही पूजा करूँ। तो बस अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सीधे आपको भगवान को तैयार करने के बाद ही मिलोगी। ये देखिए आज मेरे ठाकुर जी कुछ इस तरह से लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। देखिए मंदिर को क्लीन करके और भगवान को उन्हीं सभी भगवानों को मैंने यहाँ पर उन्हीं वस्त्र पहना दिए, क्योंकि सर्दी का समय है। मेरे लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। कौड़ियों वाली जो पोशाक होती है ना, जिसमें कौड़ियां लगी रहती है कलरफुल, वो लगी हुई है, बहुत अच्छी लग रही थी। बस सुबह की आरती हुई है, चलिए अब बनाएंगे भगवान के लिए भोग। और आज तो बहुत अच्छा दिन है। हमारे राम जी जो है ना अपने महल जैसे मंदिर में जो है ना स्थापित हो रहे हैं। आज के दिन तो ना मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरी खुशी क्या, पूरे मतलब पूरे भारत की खुशी देखिए, मतलब पूरा भारत ही जो है ना खुशी के मारे झूम रहा है। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही रौनक है। एक बात कहूँ मैं आपको, दिवालियाँ तो मैंने भी बहुत मनाई हैं, इतनी मेरी उम्र हो गई है। आप सब ने भी खूब दिवालियाँ सेलिब्रेट की होगी, लेकिन आज का जो दिवाली है ना वो कुछ अलग ही है। मतलब इस खुशी जो है ना, मतलब अलग ही लेवल की खुशी है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, और काम करने में जो है ना मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही थी। मतलब बड़े खुशी से, बड़े मन से जो है ना मैं काम कर रही थी, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा शहर ही अयोध्या बन गया है। तो मतलब इतना अच्छा शहर जो है ना हमारा सजा हुआ था, जगह जगह मंदिर सजे हुए थे। आपको दिखाऊंगी जब मैं मंदिर जाने वाली हूँ, जब दिखाने वाली हूँ। अभी तो मैं घर के काम काजों में लगी हुई हूँ। यहाँ पर बस मैंने भगवान के भोग के लिए खीर बनाई है। मिठाई घर में ऑलरेडी एक थी, तो बस मैंने अकेली खीर ही बनाई। आप सबको पता है भैया मीठा कोई ज़्यादा खाता नहीं है, तो मैं फिर ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ, केवल खीर बनाई है। और यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ सेक ली है, क्योंकि आज तो पकवान बनाना देखिए बनता है। दिवाली है, दिवाली के दिन अगर पकवान बनाकर भगवान को भोग ना लगाएंगे तो अधूरी सी लगेगी। तो बस मैंने पूड़ियाँ, सच बताऊँ आपको, बहुत दिनों बाद बनाई है पूड़ियाँ। वैसे मैं बचती हूँ इन सारी चीज़ों से, लेकिन आज तो मेरा मन था कि घर में कुछ अच्छा पकवान बनना चाहिए। तो आलू मटर की सब्जी बनाई है, खीर बनाई है, और मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं। तो फटाफट जल्दी से भोग लगाएंगे, और भूख बहुत जोर से लग रही है। अभी बताऊँ मैं कितना टाइम हो गया, आज मुझे 1:30 बज गया है भोग लगाते लगाते, क्योंकि आज पूरा दिन मेरा इसी तरह से निकल गया, बिल्कुल टाइम का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। सुबह जो है ना मैंने भगवान को दूध का भोग लगा दिया था, मैंने भी केवल चाय ही पी है। तो बस अब फटाफट जल्दी से भोग लगाएंगे, और फिर जो है ना आप लोगों से सीधे मैं खाना खाने के बाद ही मिलूंगी। पूड़ी मैंने अपने गाय के लिए निकाली थी, गाय को मैं देकर आ चुकी हूँ। अपने हाथों से मैंने गाय को खाना खिलाया है। उसके बाद जो है ना अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो बस चलिए ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और हाँ, ठाकुर जी की भोग में अगर तुलसी ना हुई तो एकदम अधूरी है। तो इस तरह से घंटी बजाकर जो है ना मेरे बेटे ने ही भोग लगाया था। मैं तो अंदर खाना बना रही थी, तो मैंने उसको बोला कि मैंने थाली लगा दी है, तुम जाकर भोग लगा दो। तो बस यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। और हाँ,
भोग लगाते समय बांसुरी जो है ना हम निकाल देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों का बस आपको पूजा में ध्यान रखना है, इसी तरह से बस पूजा पाठ हो जाती है। और थोड़ी बहुत अगर गलती हो भी जाती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भगवान जो है ना भाव देखते हैं, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हो भी जाती है, और होती है, मुझसे भी होती है, हम इंसान हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। और पिछली बार तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैंने 22 जनवरी की जगह आप लोगों के साथ 22 नवंबर शेयर किया। वैसे आप मेरी ऑडियंस मुझे बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझ जाती है, उनको पता है कि मैंने बहुत जल्दी में वीडियो एडिट किया। काफी सारे लोग समझ गए थे कि मैं 22 जनवरी ही जो है ना बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ और बोल दिया। तो कभी कभी अगर ऐसा हो जाया करे तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हो जाता है, मतलब कई काम ऐसे होते हैं घर गृहस्थी में जिनमें हम उलझ जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी से वीडियो एडिट करते हैं तो हो जाता है मिस्टेक। बस अब आज मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी, खाना खाया, खाना खाने के बाद अब जा रहे हैं हम मंदिर। और नया सूट पहना था तो फिर कपड़े चेंज करने की मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई, बस इस पर मैंने स्टॉल डाल दिया और ये स्टॉल जो है ना एकदम इसके साथ एकदम मैच कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसी सूट के लिए स्टॉल बनाया गया है। देखिए मैं और मेरी खुशी का तो आज ठिकाना ही नहीं है, मतलब पूरा हमारा पूरा भारत जो है ना इतना खुश था, हमारे आस पड़ोस में सबके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी, मतलब बहुत खुशी का दिन था। और ये देखिए हमारे पास का मंदिर इस तरह से जो है ना मंदिर सजे हुए थे। ये इस मंदिर में मैं अक्सर आती हूँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने शेयर कर रहे थे, यहाँ का जो रास्ता है ना मुझे बहुत पसंद है। और आज का ये दिन इतना खास था कि ये रास्ता जो है ना बिल्कुल भी सुनसान नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ मची हुई थी यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा, भगवान के दर्शन किए, उसके बाद जो है ना हमने खाया प्रसाद। वैसे मैं खाना खाकर आई थी, लेकिन फिर वो होता है ना कि भगवान का प्रसाद जो है ना मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ये सौभाग्य से मिलता है। तो वैसे मेरा पेट बहुत ज़्यादा भरा था कि मैंने जस्ट अभी 2 बजे ही तो खाना खाया है और 3 बजे हम मंदिर आई थी, तो फिर मैंने प्रसाद जो है ना छोड़ा नहीं, 2 पूड़ियाँ मैंने खाई। और इतना टेस्टी वाला खाना होता है, जो भंडारे का स्वाद होता है ना उसका तो मतलब बात ही अलग होती है। किस किस को भंडारे वाला खाना अच्छा लगता है मुझे बताना ज़रूर। और मतलब आज की जो दीपावली है ना सामूहिक दीपावली, इसमें कोई पैसे वाला नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब एक समान जैसे लग रहे थे। और सभी जो है ना भगवान राम के स्वागत के लिए जो है ना अपनी बाहें फैलाए हुए खड़े थे। तो बस यहाँ पे हमने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर से आने के बाद हम चले गए थे दूसरे वाले मंदिर पर, क्योंकि शाम को पंडित जी भी घर पर आ गए थे, क्योंकि अभी कुछ दिनों से पंडित जी बाहर थे। तो बस उनके साथ हम सब लोग मिलकर, मेरी एक फ्रेंड भी है, तो हम सब लोग मिलकर जो है ना मंदिर गए, यहाँ पर हमने खूब सारा एंजॉय किया। फिर जो है ना हम आ गए अपने घर पर, खाना मुझे तो खाना नहीं था क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल था। जो है ना मैं बनाऊंगी दीपक लगाने के बाद, और मेरे पास जो है ना मिट्टी वाले दीपक नहीं थे, मुझे मिले ही नहीं कहीं। एक दिन मैं मार्केट गई थी लेकिन उस दिन मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखे मिट्टी वाले दीपक, तो फिर मैंने सोच लिया था कि बस मैं आटे की दीपक लगाऊंगी। देखिए पुराने ज़माने में सबके पास दीपक नहीं होते थे, तो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे ना वो इसी तरह से आटे के दीपक ही लगाया करते थे। तो मैंने आज जो है ना वही परंपरा निभाई है, आटे के बहुत सारे दीपक बनाए हैं, ये तो थोड़े से और भी ज़्यादा बनाए थे मैंने। सारे ही दीपक जो है ना हम लोगों ने आटे की ही बनाए थे क्योंकि मेरे पास मिट्टी के दीपक नहीं थे। हालांकि जब मैं दिवाली पर दीपक लेकर आती हूँ तो एक्स्ट्रा ही लेकर आती हूँ, बट ऐसा होता है कि वीडियो बनाने होते हैं आप सबके साथ तो ना दीपक जो है ना ज़्यादातर यूज़ हो जाते हैं, तो सारे ही दीपक ना यूज़ किए हुए थे तो उनको मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने आटे के दीपक बनाए और उनमें जो है ना इस तरह से तिली के तेल की जो है ना बातियाँ रखी हैं, क्योंकि इतना सारा घी नहीं हो पाता ना, तो अगर आपके पास होता है तो आप कर सकते हो। देखिए आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है, तो बस आपको दीपक जलाना होता है, जैसे श्रद्धा है, जैसी स्थिति है, उस हिसाब से आप जला सकते हैं। मैंने यहाँ पर तिली के तेल का ही यूज़ किया है। जब भी हमारे यहाँ दीपक जलता है या तो हम घी का जलाते हैं या तिली का तेल का जलाते हैं। तिली का तेल इसलिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है
क्योंकि तिली के तेल को जो है ना घी की बराबरी दी गई है। देखिए जिनकी स्थिति नहीं है, जो ज्यादा घी यूज नहीं कर सकते क्योंकि घी थोड़ा सा महंगा आता है, तो वो जो है ना तिली का तेल यूज कर सकते हो। तिली का तेल भी इतना ज्यादा सस्ता नहीं आता आज, मतलब बहुत वो भी मतलब हाँ खैर घी के आधे में आता है। मतलब घी अगर आपको 800-900 मिलेगा तो तिली का तेल 600-700-500 में मिल जाएगा, मतलब इस तरह से आता है। और सब शहर की अपनी अपनी रेट होती है, तो हम लोग जो है ना खुला ही लेते हैं, मतलब तिली परवा कर जो है ना इसका शुद्ध वाला तेल जो है ना यूज़ करते हैं, और खाने में भी तिली का तेल बहुत अच्छा होता है। तो तिली के तेल के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो है ना दीपक प्रज्वलित करने में हेरा मेरी मदद कर रहा था, पंडित जी भी दीपक प्रज्वलित कर रहे थे, लेकिन वो होता है ना जगह जगह कैमरा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बस एक ही जगह जो है ना मैंने कैमरा लगा दिया ताकि आपके साथ जो है ना इस दिन को पूरा शेयर कर पाऊँ। और बस अब सबसे पहले जो है ना मैं दीपक रखूंगी अपने दरवाजे की दहलीज पर। देखिए दहलीज जो है ना हमारे घर की शोभा होती है। किसी भी महल में चले जाइए, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, जिस महल और मंदिर का दरवाजा बहुत खूबसूरत होता है ना, तो वो महल का दरवाजा जो है ना महल की खूबसूरती को दर्शाता है। तो दरवाजे को आपको जरूर सजाना है। वैसे हमारा दरवाजा ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उसको बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाएं, और समय रहते उसको भी बहुत अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और बस आज का दिन इस तरह से रहा, आप लोग जरूर बताना आपका दिन कैसे रहा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे। जय श्री राधे।